नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था, चलते चलते सभी थक से गए थे। अब उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई, किंतु अगर विश्राम करते तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में अधिक रात हो जाती, इसलिए वह लोग निरंतर चल रहे थे। रास्ते में एक नाला आया जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी। सभी लोगों ने लंबी छलांग लगाकर नाले को पार किया, किंतु गुरुजी का कमंडल उस नाले में गिर गया। सभी शिष्य परेशान हुए। एक शिष्य गोपाल कमंडल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने चला गया। अन्य शिष्य बैठकर चिंता करने लगे, योजना बनाए लगे, आखिर यह कमंडल कैसे निकाला जाए। गुरुजी परेशान होने लगे, क्योंकि गुरुजी ने सभी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था। उनकी सिख पर कोई भी शिष्य अमल नहीं कर रहा है। अंत तक वास्तव में कोई भी उस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। ऐसा देखकर गुरुजी काफी विचलित हुए। एक शिष्य मदन उठा और उसने नाले में हाथ लगाकर देखा, किंतु कमंडल दिखाई नहीं दिया। क्योंकि वह नाले के तह में जा पहुंचा था, तभी मदन ने अपने कपड़े संभालते हुए नाले में उतरा और तुरंत कमंडल लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की। उसने तुरंत कार्य को अंजाम दिया और गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर कार्य किया। तभी शिष्य गोपाल, जो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वह भी आ पहुंचा। उसे अपनी गलती का आभास हो गया था। नैतिक शिक्षा। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। किसी भी संकट में होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्तियों से मदद कम से कम लेना चाहिए।